Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss a problem on Heisenberg uncertainty principle. हमने uncertainty principle की जो theories हैं वो कर चुके हैं हम लोग, तो उसके बाद है numericals का सिलसिला शुरू है. उसमें क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे जो Heisenberg का एक application हमने पढ़ा था कि electron nucleus के अंदर नहीं रह सकता, उसी के ऊपर ये question है. तो हम यहाँ पे question में भी देखेंगे न्यूमेरिकली कि कैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस इज 10^-14 meter. तो रेडियस गिवन है 10^-14 meter एंड द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ अ बीटा पार्टिकल इज इजेक्टेड बाय द न्यूक्लियस इज 3 MeV. Discuss the possibility of an electron being present inside the nucleus. तो हमें ये डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी को कि क्या वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये चीज़ हमें शो करनी है. हमें पता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, एक तरह से इसको अगर हम न्यूक्लियस माने तो ये इसकी रेडियस होती है और ये रेडियस दिया हुआ है 10^-14 meter. और बीटा पार्टिकल की एनर्जी यहाँ पे दिया है, बीटा पार्टिकल हम ऐसे लिखें, एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, या थोड़ा और जोड़ लेते हैं, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स कितनी है, 3 MeV. यानी जो मैक्सिमम एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की होती है, इजेक्टेड बीटा पार्टिकल मतलब सिंपली ये इलेक्ट्रॉन ही होता है जो एग्जैक्ट होता है, तो बीटा मीन्स यहाँ पे बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही है. तो जो मैक्सिमम एनर्जी के बीटा पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी कितनी है, 3 MeV है. तो हम ये शो करके दिखाएंगे कि जो प्रोसेस में हमारी एनर्जी आएगी न्यूक्लियस के थ्रू वो एनर्जी कितनी आती है, फिर हम इसे कंपेयर करेंगे कि कितना है वो, कम है या ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रह सकता है या नहीं रह सकता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. चूँकि मैक्सिमम जो रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है, रेडियस जो है वो 10^-14 meter है, तो इसमें मैक्सिमम अनसर्टेंटी क्या हो सकती है, जो मैक्सिमम अनसर्टेंटी होगी वो रेडियस के बराबर हो सकती है. रेडियस में एक तरह से रेडियस में जो मैक्सिमम अनसर्टेंटी होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम अनसर्टेंटी इन रेडियस, तो वो एक तरह से पोजीशन का काम कर रहा है. तो डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा 10^-14 meter. और हम जानते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल से हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4π या 2π जो भी, तो सपोज़ करिए हम 4π ले लेते हैं. तो यहाँ से अगर हम मोमेंटम में अनसर्टेंटी फाइन करेंगे तो आएगा एच अपॉन 4π इंटू डेल्टा एक्स. ठीक है, तो h को मान होता है 6.63 × 10^-34 और 3.14 × Δx मीन्स 10^-14. क्लियर, तो यहाँ से ये आएगा, इसका पावर हम मैनेज करते हैं तो 6.63 पावर हो जाएगा 10^-20. ठीक है, और नीचे 12.28. ठीक है, तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो एक पावर हम यहाँ बढ़ा लेते हैं तो ये करीब हो जाएगा 5 point, क्योंकि ये 66 हो जाएगा और ये ऐसा लिख सकते हैं 66.3 × 10^-21. हम 10 से उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 10 से डिवाइड कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन का अपना तरीका है. 12.28 अब कैसे भी कर सकते हो, तो ये लगभग आएगा उसी 5.3 हम मान लेते हैं, हम राउंडिंग कर रहे हैं, आप चाहें तो एग्जैक्ट कर सकते हैं डिवाइड करके. तो यहाँ से मिलेगा, ये क्या हो गया, मोमेंटम है, तो ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो ये है अनसर्टेंटी इन मोमेंटम. तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को इनसाइड मानते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को हम न्यूक्लियस के अंदर मानते हैं, तो अगर इस रेडियस के हिसाब से इतनी अनसर्टेंटी आ रही है, तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा
तो कम से कम मिनिमम इतनी अनसर्टेनिटी मोमेंटम तो इलेक्ट्रॉन में भी होगी, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम समझ लेते हैं। तो हम सपोज कर सकते हैं कि चेकिंग पी इक्वल टू डेल्टा पी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को हम समझ जाते हैं मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखिए, काफ़ी पूछा जाता है ये। तो इसको अगर हम मोमेंटम मान लेते हैं तो फिर हम इनर्जी कैलकुलेट करेंगे कि अगर वो रिलेटिविस्टिक टाइप का अगर इलेक्ट्रॉन को हम मान सकते हैं क्योंकि उसकी वेलोसिटी लाइट के आसपास होती है, तो अगर रिलेटिविस्टिक इनर्जी की बात करें तो हम वो कैलकुलेट करेंगे। अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर देखते हैं कि क्या आता है। तो रिलेटिविस्टिक इनर्जी और ये होता है अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर और सी पावर फोर, ठीक है। क्लियर, एम नॉट स्क्वायर और सी पावर फोर, इसका डेरिवेशन भी है जो पीजी में आता है। तो पीजी यहीं बल्कि थर्ड ईयर में आप पढ़ लेंगे इसको, थर्ड ईयर में ये फॉर्मूला जो है वो डिराइव्ड होता है विदाउट। तो इसको हम बोलते हैं इनर्जी, या हम यहाँ लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन इनर्जी एंड मोमेंटम, इन रिलेटिविस्टिक रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ठीक है। तो इसको हम फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा पी स्क्वायर मीन्स ये है 5.3 इंटू 10 पावर माइनस 21 का होल स्क्वायर, फिर आएगा सी का स्क्वायर तो 3 10 पावर 8 इसका स्क्वायर प्लस एम नॉट, तो एम नॉट इलेक्ट्रॉन का एस मास होता है, ये होता है 9.1 × 10⁻³⁹ प्लस सी पावर 4, सो 3 × 10⁸ पावर 4। ये सारी चीज़ें अंडर रूट में है, तो जाहिर से बात है इसका कैलकुलेशन इतना आसान नहीं है, तो काफ़ी बड़ा है इसका कैलकुलेशन, लेकिन हम कर सकते हैं। ये हो जाएगा करीब करीब 25 या 26 के अराउंड, ठीक है। और ये इंटू 3 तो 339 हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, आप चाहो तो इसको कर सकते हो धीरे धीरे, यहाँ काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो आप इसको कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर आप बताइएगा, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल हम इसका रिज़ल्ट लिख लेते हैं कि इसका रिज़ल्ट है क्या आता है। अगर कोई दिक्कत होगा इसको सॉल्व करने में तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में शो करेंगे सारा। इसको इसका रिज़ल्ट आता है 19.89 × 10⁻¹² जूल, ये है इसका आंसर 19.89 × 10⁻¹² जूल, ये आ रही है एनर्जी। लेकिन यहाँ पे हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हैं क्योंकि हमें कंपेयर किससे करना है, इससे कंपेयर करना है। तो अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना चाह रहे हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे, 19.89 × 10⁻¹² अपॉन 1.6 × 10⁻¹⁹। अब ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब इसको हम चेंज करते हैं या इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा करीब करीब 16 है और यहाँ पे 198 है, तो 1.10 पॉइंट, तो एक तरह से 124.3 × 10⁻¹⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसके आसपास आएगी 124.3, या फिर हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 124 MeV, क्योंकि 10^6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में MeV होता है। क्लियर? तो जो एनर्जी आ रही है फाइनली वो कितनी आ रही है, 124 MeV। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ रही है, जबकि हमने मिनिमम मोमेंटम में अनसर्टेंटी के टर्म को लिया था, जैसे हमने डेल्टा पी को ही मोमेंटम मान लिया था, तो जो मिनिमम अनसर्टेंटी है उसके बावजूद, उस मोमेंटम से हम इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किए हैं, उसके बावजूद जो एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा आ रही है, उसके बाद भी जो एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा आ रही है, 124 MeV है, और ये कितना है, ये 3 MeV है, तो इसके कंपेरिजन में ये बहुत ज़्यादा है, और ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसका प्रोसेस यही है बीटा पार्टिकल, और उसमें जो एनर्जी निकलती है वो करीब 3 या मैक्सिमम 4 MeV के आसपास होता है, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये कन्फर्म करता है कि इतनी एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर से नहीं निकल सकती है, तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये था इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइजेनबर्ग का एप्लीकेशन है और काफ़ी जगह पूछता है कभी कभी, या डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है कहीं पे, या एकेडमी में भी पूछ देता है, तो आपको सारा सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन और हाइजेनबर्ग को ही देखते हैं, वो एनर्जी और टाइम से रिलेटेड है। जब हमने हाइजेनबर्ग रिलेशन बताया था तो उसमें बताया था कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल होता है वो पोजीशन और मोमेंटम में भी लगता है, जैसे डेल्टा एक्स और डेल्टा पी के लिए भी है h/4π। उसी तरीके से हमने बताया था ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए भी होता है, यानी डेल्टा थ्री और डेल्टा जे, ये भी होता है h/4π, और टाइम के लिए भी होता है डेल्टा टी और डेल्टा ई h/4π या 2π जो भी। तो ये सारे रिलेशन हाइजेनबर्ग अनसर्टेंटी के अंतर्गत आते हैं। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं एनर्जी और टाइम के रिलेशन पे। ठीक है, ये है अगला क्वेश्चन, यूजिंग द अनसर्टेंटी रिलेशन दैट इज डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इक्वल टू h/2π, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड, हमें टाइम कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एटॉमिक सिस्टम, किसी एटॉमिक सिस्टम के लिए जो रिटेन करता है एक्साइटेशन एनर्जी फॉर अ लाइन ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम एंड विथ 10^-4 एंगस्ट्रॉम। तो हमें उस एक्साइटेशन एनर्जी वाले एटॉमिक सिस्टम के लिए हमें टाइम फाइंड करना है इस रिलेशन को यूज करके। क्लियर? ये अनसर्टेंटी का रिलेशन है, और इस रिलेशन को यूज करके हमको फाइंड करना है टाइम जो किसी एटॉमिक सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड होगा इस वेवलेंथ और इस विथ में। तो विथ का मतलब ये है डेल्टा लेमडा हो गया 10^-4 एंगस्ट्रॉम, या इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर में, तो 10^-4 × 10^-10। ठीक है, -10, तो ये हो जाएगा 10^-14 मीटर। क्लियर? दूसरी चीज़ यहाँ पे दी हुई है लेमडा, लेमडा है 6000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 × 10^-7 मीटर, जो 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10^-10 मीटर। तो इतना तो पता ही होगा, 1 एंगस्ट्रॉम = 10^-10 मीटर। ठीक है, तो अब अगर हम एनर्जी की बात करें, तो एनर्जी हमारा होता है h nu, और इसको हम लिख सकते हैं hc/λ। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम इसमें डिफरेंस निकालें डेल्टा ई, तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा ई हो जाएगा -hc/λ² जैसे हम डेरिवेटिव करते हैं, तो ∆λ। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं ∆E = -hc/λ² ∆λ।
तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो बाय गिवन कंडीशन गिवन कंडीशन का है डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इक्वल टू एच अपॉन टू पाई। सो डेल्टा टी इक्वल टू एच अपॉन टू पाई इंटू डेल्टा ई, तो ये हो जाएगा एच अपॉन टू पाई। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई का मान है हमारा इतना यानी माइनस, तो माइनस यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम टाइम फाइंड कर रहे हैं तो माइनस की ज़रूरत नहीं है। तो अगर डेल्टा ई हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो नीचे टर्म आएगा या पहले हम लिख लेते हैं, सो वन अपॉन माइनस को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ये एच है प्लैंक कॉन्स्टेंट। सो एच और एच कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लेमडा स्क्वायर ऊपर टू पाई सी इंटू डेल्टा लेमडा नहीं आएगा। तो लेमडा की वैल्यू हमको पता है 6 × 10⁻⁷, इसका हो जाएगा स्क्वायर और अपॉन में 2 × 3.14 × 3 × 10⁸। और डेल्टा लेमडा हमारा हो जाएगा कितना, 10⁻¹⁴ मीटर, 10⁻¹⁴ मीटर, ठीक है। सो दिस इज़ 2, ये पाई 3 × 10⁸, और ये लेमडा डेल्टा लेमडा की वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 6 = 36, 10⁻¹⁴, और नीचे हो जाएगा 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24, 8 और ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 14 है, हो जाएगा -6। तो इसको लिख सकते हैं 36 × 10⁻, ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी यहाँ पे हो जाएगा -8 अपॉन में 18.84, ये करीब करीब 1.9 आना चाहिए इसको, 1.9 × 10⁻¹⁸ कितना सेकेंड, सो 1.9 × 10⁻¹⁸ सेकेंड। सो ये हमारा रिक्वायर्ड टाइम होगा 1.9 × 10⁻¹⁸ सेकेंड, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यही टाइम बताना था इस रिलेशन को यूज़ करके। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर ऑप्शंस में भी आ जाता है तो उसका आंसर कुछ चार ऑप्शन मिलेंगे इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, यहाँ पे कुछ नई चीज़ें हुई, ऐसा डेरिवेटिव जैसा टर्म हमने किया, 1 / λ का डेरिवेटिव करेंगे तो -1 / λ² और फिर लेमडा का डेल्टा लेमडा, तो फिर सारा कुछ कैलकुलेशन में है, ठीक है। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब ये लगभग सारे क्वेश्चन से न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं जो हम एक BSc सेकेंड ईयर के हिसाब से जो न्यूमेरिकल्स करा रहे थे, तो लगभग हर टॉपिक का क्वेश्चन हो चुका है। अगर एक आध दो और होगा तो हम करा लेंगे, नहीं तो फिर हम अगली यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। तो लगभग एक यूनिट कंप्लीट हो चुका है, तो आप सारे को एक तरफ से देखना चाहेंगे तो शुरू से देखेंगे तो आपकी पूरी यूनिट ये कंप्लीट हो जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।